नमस्कार साथियों, और आज हमारे सामने दो पावरफुल बाइक्स खड़ी हैं। एक है कीवी की तरफ से आने वाली V3 302C यानी कि बेंडा, और एक है क्यूजेट मोटर की तरफ से आने वाली SRV 300। तो दोनों में ही हम आपको कंपैरिजन करके बताएंगे, दोनों की प्राइस की कंपैरिजन करेंगे और बताएंगे क्या कुछ चेंजेस होने वाला है दोनों ही गाड़ियों में। तो मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं व्हीकल बॉस, तो आइए देख लेते हैं। तो साथियों यार, सबसे पहले तो हम इसके फ्रंट से शुरुआत कर लें। दोनों ही बाइक आप देख सकते हैं, एकदम ही प्रीमियम क्रूजर बाइक वाला आपको फील कराएंगी। सबसे पहले हम आपको बेंडा यहाँ पर दिखा देते हैं। तो बेंडा का हम आपको फ्रंट का लुक दिखा देते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं मित्रों, यहाँ पर आपको बेंडा की बैचिंग है। यहाँ पर LED प्रोजेक्टर हेडलाइट्स यहाँ पर लगे हैं, DRLs हैं, और यहाँ पर बेंडा की बैचिंग है। यहाँ पर आपको 40mm के सस्पेंशन देखने के लिए मिल जाएंगे। बिल्ट की क्वालिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होने वाली। LED टर्न ऑन इंडिकेटर यहाँ पर लगे हैं, और SRV QZ की हम यहाँ पर दिखा दें तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं इसकी, और यहाँ पर देख सकते हैं DRLs को जिस तरीके से, यहाँ पर क्रोम की डिज़ाइन है, LED टर्न ऑन इंडिकेटर हैं, सस्पेंशन वही हैं, यहाँ पर रिफ्लेक्टर लगे हैं। और साथ में फ्रंट के अगर हम टायर के साइज़ की बात कर लें दोनों ही गाड़ी की, तो यहाँ पर आपको 120/80 और यहाँ पर आपको एक 16 इंची का टायर मिल जाएगा। अलॉय व्हील देख सकते हैं आप। और यहाँ पर फ्रंट के अगर हम डिस्क की प्लेट की बात कर लें इसकी, तो यहाँ पर आपको एक 280mm की डिस्क की प्लेट देखने के लिए मिल जाएगी। और बेंडा की अगर हम टायर के साइज़ की बात कर लें तो इसमें आपको 120 टायर देखने के लिए मिल जाएगा, 120/80 और 17 एलॉय व्हील के साथ। और यहाँ पे आपको ये जो डिस्क प्लेट आप देख रहे हैं, ये एक 300mm की डिस्क की प्लेट होने वाली है। यहाँ पर रिफ्लेक्टर लगे हैं और ये एक लिक्विड कूल्ड इंजन के साथ आने वाली है साथियों। साथ में अगर हम इसके सीट की हाइट की बात कर लें तो यहाँ पर आपको 700mm की सीट की हाइट देखने के लिए मिल जाएगी। क्रूज़र बाइक में ये जो सीट है ये आप देख सकते हैं कुछ तरीके से कम्फर्टेबल होने वाली है। और साथ में अगर हम इसके SRV मॉडल की बात कर लें तो यहाँ पर भी वही सीट हाइट है, यानी कि अप्रोक्स दोनों की ही सीट हाइट है जो वो लगभग सेम होने वाली है। और लुक्स हम आपको दिखा देते हैं, पीछे का जो लुक्स है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। जैसे कि आप इसकी टेल लाइट देख पा रहे हैं, जो टेल लाइट है वो यहाँ पर पीछे के मडगार्ड में ही अटैच है। यहाँ पर LED टर्न ऑन इंडिकेटर देखने के लिए मिल जाएंगे। और साथ में यहाँ पर अगर हम इसके SRV वेरिएंट की बात कर लें तो यहाँ पर ये जो टेल लाइट आप देख रहे हैं एकदम स्टाइलिश यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से लाइन डिज़ाइन में यहाँ पर टेल लाइट दी है। साथ में LED टर्न ऑन इंडिकेटर देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। और पीछे का हम आपको टायर दिखा दें तो यहाँ पर एक चौड़ा टायर पीछे में देखने के लिए मिल जाएगा, रेडियल टायर होने वाला है, जिसका हम साइज़ दिखा देते हैं 150/80। और यहाँ पर आपको मिल जाएगा एक 15 इंची का टायर, यहाँ पर आपको ड्यूल सस्पेंशन के साथ देखने के लिए मिल जाएगी साथियों। और ये जो गाड़ी है बेंडा, इसका हम टायर दिखा देते हैं आपको। इसमें भी आपको 150/60 और 150/80 और 15 इंची का टायर है। पीछे में आपको 270mm की डिस्क की यहाँ पर प्लेट देखने के लिए मिल जाएगी। ड्यूल सस्पेंशन है इसमें भी, दोनों ही तरफ सस्पेंशन है। और जो सीट है वो दोनों ही गाड़ियों की आरामदायक होने वाली है। जो फ़र्क है वो है इसके प्राइस में। तो दोनों के ही अगर हम प्राइस रेंज की बात कर लें तो ये है 385 की आपको ऑन रोड पड़ जाएगी, 5,11,000 की ये ऑन रोड पड़ जाएगी, यानी कि लगभग 1,00,000 का जो है वो सीधा सीधा इसमें और उसमें डिफरेंस है साथियों। और साथ में इंजन में हम आपको दिखा देते हैं तो यहाँ पर वही आपको 300cc का इंजन मिल जाएगा पावरफुल, जो आपको 30 BHP की पावर, 29 Nm का टॉर्क देने वाला है 6 ट्रांसमिशन के साथ। ये एक बेल्ट ड्राइव के साथ आती है मित्रों। और ये जो है यहाँ पर आपको एक 29 BHP की पावर, 30 Nm का टॉर्क, 6 ट्रांसमिशन यहाँ पर देख सकते हैं आप। एक यहाँ पर 8 Wheel Force यहाँ पर स्टोक इंजन देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं SRV 300 की बैचिंग है। यहाँ पर जो मेन डिफरेंस है एक और, यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं चेन ड्राइव के साथ आती है। और यहाँ पर सस्पेंशन आप देख सकते हैं क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है, SRV 300 की बैचिंग है। और सीट की जो कुशनिंग है वो भी यहाँ पर काफ़ी बढ़िया दी है। और साथ में एक और डिफरेंस जो है वो है इसका फ्यूल टैंक। यहाँ पर आपको एक 15 लीटर का फ्यूल टैंक है, यहाँ पर एक 13.5 लीटर का फ्यूल टैंक है, कि एक डिफरेंस है। V3 302C की यहाँ पर बैचिंग है, E20 का सपोर्ट है। यहाँ पर कीवे बेंडा की बैचिंग है, देख सकते हैं काफ़ी प्रीमियम एकदम। और साथ में यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं, जैसे कि इसका क्लस्टर हम यहाँ देख सकते हैं, चाबी को जिस तरीके से देखने पर लगेगी। और साथ में जो क्लस्टर है इसका, उसमें हम जैसे कि आपको फंक्शन दिखा देते हैं,
तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको टाइम बता रहा है, बेंडा गियर शिफ्ट इंडिकेटर बता रहा है, यहाँ पर आरपीएम का मीटर है, और यहाँ से हम देखते हैं क्या क्या है, जैसे कि टू ट्रिप मीटर है, यहाँ पर एवरेज है, यहाँ से इसको आप सेट कर सकते हैं इसकी बटन की मदद से, दो बटन है और राउंड शेप में यहाँ पर आपको इंस्ट्रूमेंटर क्लस्टर मिल जाएगा, सिंगल हैंडल बार के साथ आती है, और यहाँ से आप इसकी हैजर्ड लाइट को ऑन ऑफ कर सकते हैं, और यहाँ से इसका इंडिकेटर है, इंजन का किल स्विच है। आइए एक बार हम इसका चालू करके साउंड सुनवा देते हैं गाड़ी का। तो बेस आपने सुना, गाड़ी का जो साउंड में बेस है वो एकदम ही हैवी है, तो जब आप गाड़ी को चलाएंगे तभी आपको इसका बेस जो है वो महसूस होगा। यहाँ पर 160 mm का ग्राउंड क्लियरेंस होने वाला है, यहाँ पर भी 160 ग्राउंड क्लियरेंस में कुछ फ़र्क ज़्यादा नहीं है, जो फ़र्क है वो हमने आपको बता दिया। इंजन ये कुछ इस तरीके से है, साथ में फ्रंट का आप लुक देख सकते हैं, यहाँ पर ये लिक्विड कूल्ड है, और फ्रंट में यहाँ पर ये देख सकते हैं डिज़ाइन देख सकते हैं यहाँ पर, और पूरा ही रेडिएटर है, बड़े रेडिएटर का इस्तेमाल किया है, और बेंडा में भी कुछ इसी तरीके से है इसका फ्रंट का लुक, और जो बिल्ड की क्वालिटी है वो काफ़ी बढ़िया है, एक आपको बल्की वाला फील कराएगी यहाँ पर 302 की, जैसे कि आप देख सकते हैं बैचिंग है, और यहाँ पर देख सकते हैं लुक्स देख सकते हैं, दोनों ही गाड़ियों का लुक्स अपने आप में काफ़ी बढ़िया है, और यहाँ पर जैसे कि आपको थोड़ा सा ज़्यादा कम्फर्टेबल मिलेगा, क्योंकि जो इसका हैंडल बार है हम आपको दिखा देते हैं SRV में आपको क्या मिलता है। जैसे कि यहाँ पर हम सबसे पहले इसकी चाबी आपको दिखा देते हैं, तो कुछ इस तरीके से चाबी आपको स्टाइलिश देखने के लिए इसमें मिलेगी, साथ में यहाँ पर लाइट्स भी लगी हैं, यहाँ पर देख सकते हैं ब्लू कलर की लाइट्स हैं, यहाँ से इसकी हैजर्ड लाइट को ऑन कर सकते हैं, यहाँ से सेल्फ स्टार्ट है, इंजन का किल स्विच है, और ये जो आप देख रहे हैं ये एंटर और सिलेक्ट यहाँ पर जो देख रहे हैं आप, इसकी मदद से आप जो इसका क्लस्टर है उसको आप यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर टाइम बता रहा है, जैसे कि यहाँ से देख सकते हैं आप, यहाँ से जो इसका क्लस्टर है उसको आप बटन से नहीं एडजस्ट करेंगे, उसको आपको यहाँ से एडजस्ट करना पड़ेगा। हम आपको दिखा देते हैं टाइम वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पर आपको बता देगा, जैसे कि इंजन चेक बता रहा है, लो फ्यूल वार्निंग बता रहा है, यहाँ पर RPM का मीटर बता रहा है, गियर शिफ्ट इंडिकेटर बता रहा है। एक बार हम इसको जैसे बंद करके चालू जब करते हैं तो सारे ही जैसे ABS का साइन, न्यूट्रल, ये सारी चीज़ें इसमें आपको बता देगा। एक स्टाइलिश वाला मीटर आपको देखने के लिए मिलेगा, और यहाँ से लाइट हमने आपको दिखा दी, ब्लू कलर की लाइट्स हैं, और यहाँ से इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं ट्रिप मीटर जैसा कि आपको दिखा रहे हैं एडजस्ट हो रहे हैं यहाँ पर ट्रिप मीटर, तो इसमें जो है इसमें आपको यहाँ से एडजस्ट हो जाएंगे और उसमें आपको वहाँ से एडजस्ट करने पड़ेंगे। दोनों ही गाड़ी स्लीपर क्लच के सपोर्ट के साथ आती हैं, तो लुक्स बढ़िया है, साथ में परफॉर्मेंस अच्छा है, एक कंफर्टेबल गाड़ी आपके लिए बेस्ट बाइक हो सकती हैं। खैर, आपको कौन सी बाइक पसंद है कमेंट में ज़रूर बताना मित्रों, क्या आपको पसंद है SRV या फिर आपको पसंद है बेंडा। और एवरेज की हम बात कर लें तो यहाँ पर आपको यार एक हैवी बाइक होने के साथ साथ यार 35 km/h तक का ही आपको हाईवे पर माइलेज दे देगी, फिर चाहे हम बेंडा की कर लें या फिर बात कर लें QZ की, यहाँ पर SRV की, और दोनों ही गाड़ी का जो कर्व वेट है वो यहाँ पर 160 kg का होने वाला है, साथ ही ज़्यादा भारी भी नहीं है, और साथ में लुक्स भी काफ़ी बेटर है यार बेंडा का। खैर, आपको कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताना। खैर, हमें बेंडा कुछ ज़्यादा अच्छी लगती है उससे देखने में, थोड़ा सा लुक इसका कहीं ना कहीं बल्कि लगता है, वो थोड़ी सी कम्फर्टेबल है हमारे हिसाब से, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, लेकिन प्राइस में फ़र्क है, 1 लाख कम है। यहाँ पर आपको बेल्ट ड्राइव देखने के लिए मिल जाएगी, यहाँ पर आपको चेन ड्राइव देखने के लिए मिल जाएगी, यानी कि कुछ ना कुछ किसी गाड़ी में कुछ बेटर है, किसी में कुछ बेटर है, यानी कि दोनों ही गाड़ियों में कुछ ना कुछ बेटर है। खैर, आपको कौन सी गाड़ी अच्छी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बहुत बहुत धन्यवाद।